भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7992499821। नवगछिया में नेकी की दीवार का हुआ शुभारंभ, अनुमंडल पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। नौगछिया शहर में सामाजिक संस्था क्लीन नौगछिया ग्रीन नौगछिया के द्वारा नेकी की दीवार कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को बड़ी घाट ठाकुरबाड़ी में किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद के बीच गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। वहीं मौके पर आयोजित समारोह का उद्घाटन नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भगत, डॉक्टर संदीप गुप्ता, पार्षद अजय प्रमोद यादव, चंदेश्वरी सिंह, निषाद मोनी गुप्ता, गोपाल भारती, पुलकित मंडल, विनोद भगत, प्रोफेसर विजय भगत, अभय मुनका इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि यह संस्था की बहुत अच्छी पहल है, इससे निसहाय लोगों को ठंड से काफी मदद मिलेगी। इस कार्य में समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिनके घर में भी नए पुराने कपड़े जो काम में नहीं आ रहे हैं, वो संस्था को दें और संस्था जरूरतमंद लोगों को कपड़ा देकर उन्हें राहत पहुंचाएगी। यह कार्यक्रम इसी तरह लगातार 1 महीने तक चलेगा, इसलिए इस कार्यक्रम में सबों को सहयोग देने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, जैकेट, साड़ी, बच्चों के कपड़े एवं अन्य सामग्री अनुमंडल पदाधिकारी एवं संस्था के सदस्यों द्वारा बांटा गया। मौके पर क्लीन नौगछिया ग्रीन नौगछिया के अध्यक्ष चंद्रगुप्त साह, सचिव राजीव गुप्ता, संयोजक श्रीधर कुमार, अशोक केड़िया, अरुण मौंडिया, संतोष गुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, सुमित भगत, राकेश सिराया, केशव पांडे, विष्णु साह, रंजन राय, सेवार्थ के संयोजक पंकज कुमार भारती, अनंत विक्रम, धर्मेंद्र गुप्ता, लोकेश अग्रवाल सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैंने अपनी इच्छा रखी थी कि आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर इस तरह का भी कार्यक्रम हो तो बेहतर होगा। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आने वाले 2-3 महीने में ही नौगछिया का कोई संस्थान इस चीज को एडॉप्ट कर लेगा, उसको उद्घाटन भी करवाएगा और आगे भी उसमें बढ़ जाएगा। बिल्कुल काबिले तारीफ है क्लीन नौगछिया के नौगछिया के लिए। नवगछिया में रंगे हाथ दबोचे गए लॉटरी के धंधेबाज, एसपी ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई, एक बंडल लॉटरी का टिकट भी बरामद। नवगछिया पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी की बिक्री करते 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लॉटरी के अवैध धंधेबाजों में एक नौगछिया थाना क्षेत्र के नोनिया पट्टी निवासी शिवम कुमार पिता उमेश महतो एवं दूसरा मक्का तकिया निवासी अजीत कुमार शामिल है। पुलिस ने दोनों लॉटरी के अवैध धंधा करने वालों के पास से 100 पीस लॉटरी का टिकट भी बरामद किया है। दोनों के विरुद्ध लॉटरी अवैध रूप से धंधा करने के मामले में नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नौगछिया एसपी निधि रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि नौगछिया के मक्का तकिया के पास कुछ लोग लॉटरी का अवैध धंधा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा सूचना के सत्यापन करने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कार्रवाई करते हुए दोनों को लॉटरी टिकट के साथ गिरफ्तार कर लिया। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि दोनों धंधेबाज के पास से जो लॉटरी का टिकट बरामद हुआ है, प्रति टिकट का दाम 5 रुपया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह लॉटरी का टिकट मुझे कपड़ा दुकानदार सुमित कुमार ने दिया है। पुलिस टीम द्वारा सुमित कुमार के दुकान पर भी छापेमारी की गई, लेकिन सुमित कुमार दुकान से फरार पाया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने लॉटरी के अन्य धंधेबाज का भी नाम पुलिस को बताया है, जिसमें अजीत कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान बताया कि मक्का तकिया के रतन स्वर्णकार एवं धीरज उर्फ छोटू स्वर्णकार लॉटरी का होलसेलिंग करता है। धीरज और रतन के घर पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन वह घर से फरार पाया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस संदर्भ में नौगछिया थाना कांड संख्या 8/2020 धारा 420 भादवी एवं बिहार बैन लॉटरी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आज नौगछिया थाना में एक स्पेशल टीम के द्वारा, जो कि हम लोगों के ऑफिस से एक स्पेशल टीम है, वहाँ पे जो जुआ और लॉटरी का जो बिक्री होता है उन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए, तो उसके द्वारा दो लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उनके पास से कुछ कैश और लॉटरी की टिकट्स बरामद हुई हैं। साथ ही उसमें शामिल कुछ अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिला है, जिसमें कि एक स्वर्ण व्यवसायी और एक कपड़ा व्यवसायी के शामिल होने की बात आई है। उसमें भी लगातार जाँच चल रही है। दोनों ही युवकों के विरुद्ध में और जो बाकी जिन लोगों का नाम इसमें आया है जो कि फरार पाए गए हैं अपने घर से, उनके विरुद्ध में नौगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया विक्रमशिला पुल पहुंच पथ से मोटरसाइकिल चोरी। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ खगड़ा के पास से जमीन खरीदने आए खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार निवासी मोहम्मद लल्लू की मोटरसाइकिल लाइन होटल के पास से चोरी हो गई। मोहम्मद लल्लू ने बताया कि हम हीरो आई स्मार्ट गाड़ी से आए हुए थे, जिसका नंबर BR11B8662 है। गाड़ी को खगड़ा के लाइन होटल के पास लगाए और बगल में ही जमीन देखने के लिए चले गए। जब लौट कर आए तो देखे कि होटल के पास मेरी गाड़ी नहीं है, जिसके बाद हमने वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो कोई भी गाड़ी के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने 2 से 3 लोगों को पकड़कर परबत्ता पुलिस के हवाले किया। इस दौरान मोहम्मद लल्लू ने मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में परबत्ता थाने में आवेदन दिया। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी हुई है, पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर छानबीन कर रही है। मोहम्मद लल्लू, पिता का नाम अब्दुल कयूम, घर खरीक बाजार। आप गाड़ी जो चोरी हुआ, गाड़ी नंबर BR11B8662। 2 घंटा अंतराल में ये घटना हुई। 2 घंटा के अंतराल में। कितने लोगों के साथ आए थे? हम लोग आए थे 6 आदमी के साथ में। दो बाइक था उस जगह, एक ग्लैमर, एक मेरा ये हीरो आई स्मार्ट का। ग्लैमर है? हाँ, ग्लैमर गाड़ी है। आई स्मार्ट गायब हो गया। हल्ला चोर पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया है। चोरी पकड़ाया है, संदेह के बिना पे उसको पकड़ा है, वही दुकानदार को। कितने लोगों को पकड़ा है? वो तो एक ही आदमी पकड़ा था, दुकानदार को, जिसका जमीन देखने आया था उसी को। वो सब लोग किसका जमीन देखने आए हुए? विभास। अच्छा। नवगछिया SP ने थाना अध्यक्ष के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी। कहा, कुख्यात अपराधियों के गिरोह में शामिल सदस्यों का नाम गुंडा पंजी में करें दर्ज। अपराधी व अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस पदाधिकारी पिछली आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति के तहत कार्य करेगी। अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर कुख्यात अपराधी व उसके गिरोह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अपराधियों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज किए जाएंगे। इसको लेकर नौगछिया SP निधि रानी ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मासिक अपराध गोष्ठी के बाद SP ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की इस अपराध गोष्ठी में पुलिस जिले के सभी थाने में पूर्व में पूरे वर्ष में दर्ज हुए आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की गई। थाने में दर्ज हुए घटनाओं का कंपैरिजन वर्ष 2018 से किया गया, जिसमें पाया गया कि वर्ष 2019 में रंगरा एवं परबत्ता थाना में हत्या के अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इस संदर्भ में रंगरा एवं परबत्ता थाना अध्यक्ष को समीक्षा रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मौके पर बीहपुर सर्किल इंस्पेक्टर SK चौहान, नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर भरत भूषण भारती, नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा, परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव, गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती, रंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, बीहपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, झंडापुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, नारायणपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, महिला थाना अध्यक्ष श्वेता कुमारी सहित सभी थाने के थाना अध्यक्ष मौजूद थे। मंथली क्राइम मीटिंग किया गया था हमारे ऑफिस में, तो इसमें हम लोगों ने ना केवल लास्ट मंथ जो दिसंबर है उसके आपराधिक आंकड़ों पर समीक्षा की है, बल्कि 2018 और 19 में जो अपराध शीर्ष हैं उसमें कितनी वृद्धि या कमी आई है उस संदर्भ में भी समीक्षा की गई है। जिला में 2 थाना, एक रंगड़ा थाना और परबत्ता थाना, इन दोनों थानों में पिछले साल के कंपेरिजन में 2019 में हत्या की घटनाएं ज्यादा हुई है, तो दोनों ही थानाध्यक्षों को हमने इस संदर्भ में अपनी तरफ से एक समीक्षा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिया, कहा है कि उनके जो क्षेत्र में हत्या की घटनाएं जो बढ़ी है पूर्व वर्ष के कंपैरिजन में, तो उसमें क्या कारण है हत्या के और उनका अभी क्या स्थिति है, अपडेटेड स्टेटस क्या है उन केसेस का। साथ ही जो लूट के केसेस हैं और डकैती के केसेस हैं
तो जो नौगछिया टाउन थाना है और परबत्ता थाना है, दोनों थानों में पिछले साल के कंपैरिजन में 2019 में जो पिछले साल जो इन थानों में जो केस दर्ज हुए थे लूट के, उससे ज्यादा कांड दर्ज हुए हैं। तो इस संदर्भ में उन दोनों थानों को बोला है कि थाना अध्यक्षों को कि वो स्वयं समीक्षा कर ले इस संदर्भ में कि किस पुलिस उसमें क्या ऐसी कार्रवाई कर सकती है आगे भविष्य में, ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। और जितने भी अपराध शीर्ष हैं सबकी समीक्षा जो है मेरे ऑफिस से हमारे द्वारा की जाएगी कि जो अपराधों जो किसी संबंधित थाना में अगर किसी अपराध ज्यादा हुए हैं 2018 के कंपैरिजन में, तो कैसे उन अपराधों को वहां पे कंट्रोल किया जा सके और कैसे वहां पर रोका जा सके उन घटनाओं को। साथ ही मद निषेध से संबंधित सब लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि शराब के केस में जब्त होती हैं, जो शराब के कारोबार में यूज होती हैं गाड़ियां, तो ऐसी गाड़ियां जो जब्त होकर अभी थाना में हैं और जिनका की अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव डीएम भागलपुर ऑफिस में नहीं भेजा गया है, तो उसको सरसमय भेजने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। विशेष किस तौर पे विशेष क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, अगर हम 2018 और 2019 की बात करें तो अमूमन सभी आपराधिक जितने आंकड़े हैं सब में कमी आई है 2019 में। जैसे कि वर्ष 2018 में नौगछिया पुलिस जिला में टोटल 26 केसेस हुए थे हत्या के, और अब की बार उसमें 21 केसेस हुए हैं, मतलब 5 जो है उसमें कमी आई है आंकड़े में। साथ ही जो लूट के केसेस हैं वो उनमें भी कमी आई है। डकैती में वृद्धि हुई है 2 केस में, लेकिन वो दोनों केस डिटेक्टेड हैं, मतलब जो वृद्धि हुई है सभी मामले उसमें डिटेक्ट हो गए हैं डकैती वाले में। तो उस संदर्भ में सभी थाना प्रभारियों को जो भी उनके थाना की आपराधिक समीक्षा है वो वर्ष पार करने के लिए 18 और 19 के कंपैरिजन के साथ में उस पर्टिकुलर थाना में अगर किसी अपराध शेष में वृद्धि हुई है तो उसकी समीक्षा कर उसको रोकने के लिए उस टाइप के अपराध को उस क्षेत्र में क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनको एक समीक्षा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दिया गया है, आदेश दिया गया है। और जब उनके द्वारा एक समीक्षा रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो उसके बाद में एक समीक्षा हम अपने पूरे पुलिस जिला स्तर पर करेंगे, ताकि जिन क्षेत्रों में या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ज्यादा प्रभावित रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्राइम से, तो वहां पर उस क्राइम को होने से कैसे रोका जाए, उससे संबंधित प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज पे हम लोग का डिस्कशन होगा उसके बाद। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IS IPS फाउंडेशन क्लासेस, अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282725। गोपालपुर कलाकारों ने बताया जल और हरियाली का महत्व। बिहार सरकार के महत्वपूर्ण अभियान जल जीवन हरियाली के तहत भागलपुर कला जत्था टीम के द्वारा गोपालपुर के तिंटेगा दियारा उत्तर के सरस्वती हाट में कलाकारों ने जल और हरियाली के महत्व को बताया। ग्रामीण भाषा में लोगों को पेड़ लगाने, हरियाली बढ़ाने, जल बचाने को प्रेरित किया, जिसमें टीम लीडर ललित कुमार के नेतृत्व में कलाकार राजू, सचिन, प्रिंस वीरेंद्र, रेखा, सपना और कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा स्वयं सेवक जिला उपाध्यक्ष राजकुमार रजक सहित कई अन्य उपस्थित थे। राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर 19 जनवरी 2020 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आने के लिए आमंत्रण भी दिया गया। नवगछिया एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने शादी की नियत से अपहरण के मामले में फरार चल रहे आरोपी एकचारी निवासी घनश्याम मंडल को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार घनश्याम मंडल को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोपालपुर में दिव्यांग जांच शिविर आयोजित।
नौगछिया अनुमंडल के पीएससी गोपालपुर में सोमवार को दिव्यांग जांच शिविर आयोजित कर दर्जनों दिव्यांग को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार, नेत्र सहायक मोहम्मद कलीमर रहमान, काय चिकित्सक डॉक्टर दिनेश दयाल के द्वारा जांच किया गया। गोपालपुर पुलिस ने शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सैदपुर पंचायत के गोड़ियारी निवासी शराब कारोबारी प्रमोद सिंह पिता स्वर्गीय भूसी सिंह को 7 लीटर देसी शराब के साथ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उक्त जानकारी गोपालपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने दी। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा में मारपीट में 2 महिला घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 महिला घायल हो गई। घायल में एक पक्ष के मिथिलेश शर्मा की पत्नी शोभा देवी व दूसरे पक्ष के ललन राय की पत्नी रूबी देवी शामिल है। दोनों का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। नवगछिया के खरीक में पुलिस की पिटाई से ग्रामीणों में आक्रोश। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के पूर्वी धरारी आरा मिल के समीप घूर ताप रहे ग्रामीणों की पिटाई से पूर्वी घरारी ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग रविवार की रात ठंड से बचने के लिए घूर लगाकर आग ताप रहे थे, उसी समय गश्त लगा रही पुलिस आई और कहा कि देर रात को यहां क्या कर रहे हो, घर जाओ। इतना कहने पर लड़कों ने अकड़ कर अमर्यादित तरीके से बात किया, जिससे गुस्साई पुलिस ने युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई से 2 लोग जख्मी है। जिन लोगों की पिटाई हुई उसमें मोहम्मद नियाज और मोहम्मद अयूब शामिल है। देर शाम तक थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है।